ਕਿਦਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਕੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਲੈਟ ਸਟਾਰਟ। ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ወሰላቱ ወሰላም አላ ረሱልላ ወአላ አሊ ወሳቢ አጅመይን አማ ባዕድ አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ብስሚላህ ረሕማን ረሂም አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኪ ረሕመት ኦር በረከት አፕ ሰብ ፐር ሆ አፕ ጀብ ዲክቴ ሄ ሀር መዝሀብ ኪ ኮይ ና ኮይ ኒሻኒ ሄ ሀር መዝሀብ مثال کے طور پہ ہندو مذہب کی لو نشانی، ہندو مذہب کی نشانی ہے اوم، یا وہ ٹیکا پہنے گا ورمیلون، یہ اس کی نشانی ہے۔ اگر کسی کو آپ دیکھیں گے اوم کا پہنا ہوا ہے، اوم کی انگوٹی پہنا ہے یا اوم کا چین پہنا ہے، ٹیکا لگا ہے، وہ ہندو ہے۔ عیسائی، عیسائی کی نشانی ہے سلیب، کراس، وہ کراس پہنا ہے، فوراً پتا چل جائیں گا کہ وہ عیسائی ہے۔ اگر وہ پارسی ہے تو سفید वो झब्बा पहना है और काली टोपी ऐसी, टिपिकल पारसी, पता चल जाएगा ये पारसी है। पर सबसे बेहतरीन जो अपने लेबल को पहनने में मेरे नजदीक सबसे ज्यादा जो अपने लेबल से मोहब्बत करते हैं कोई कौम अगर है, और जो लेबल पहनने से कभी डरते नहीं, वो है सिख। सिख अपने लेबल पहनने से कभी भी नहीं डरता, दाढ़ी वाला और पगड़ी, वो प्राउड है, उसे गर्व है कि मैं सिख हूं। और किधर भी जाओ, अगर फॉरेन कंट्री में मैच हो रही है, इंडियन को दिखाने का है तो कैमरा फोकस करेगा सिख के ऊपर, दाढ़ी वाला पगड़ी वाला फौरन। हालांकि सिख हिंदुस्तान में 2% है, लेकिन हिंदुस्तानी को दिखाने के लिए सिख को दिखाएंगे फौरन। वो सिख कभी भी घबराता नहीं, अपनी दाढ़ी पहनेगा, अपनी पगड़ी पहनेगा, चाहे वो अकेला लाखों के मजमे में। हम माशाल्लाह यहां पे अपने पास सिख भाई है, माशाल्लाह पहली रो पे बैठे हुए, लाखों के मजमे में एकदम गर्व के साथ। और मैं उनकी दाद देता हूं, मानना पड़ेगा, कभी घबराते नहीं। यहां तक के इंडियन गवर्नमेंट नौकरी में वो घबराते नहीं। इंडियन आर्मी में भी देखो आप, चाहे नेवी में देखो, चाहे मिलिट्री में देखो, सिख है अपनी दाढ़ी और पगड़ी के साथ। मैं कनाडा गया था पहली बार 1996 में, 1996 जरा गिनती में मेरे ऊपर नीचे हो जाते, अंग्रेजी में गिनती फास्ट होती मेरी, 1996 में गया। वहां में जब देखा फ्रंट पेज के ऊपर एक कैनेडियन, इंडियन था सिख था तो नेशनलिटी कनाडा की ले चुका था, वहां भी कैनेडियन आर्मी में अपनी पगड़ी पहना हुआ, वो लड़ेगा भाई ये मेरा हक है, इनकी दाद देना पड़ेगा। हम मुसलमान कई बार देखेंगे अगर मालिक कहेगा भाई दाढ़ी काटो, हाँ मजबूरी में काट देते, सब नहीं, ये काफी है, बोलिए अरे मुझे नौकरी नहीं मिलती, वो दाढ़ी काट देंगे। सिख को कभी कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं करेगा, कोई हिम्मत नहीं करेगा, कोई जानता है भाई ये मानने ही नहीं वाला है। हम मुसलमान समझते एडुकेटेड है, जितने ज्यादा तालीम याफ्ता उतना समझते कि ये जरूरत नहीं, इस्लाम दाढ़ी टोपी में नहीं। अक्सर आप देखेंगे गरीब लोग, गरीब लोग बिंदास दाढ़ी टोपी रखते, जितना अमीर उतनी कम तादाद में आप दाढ़ी टोपी देखेंगे। आप हिंदुस्तान के लोग, आप अमीर लोग को 100 अमीर लोग लाइन में रखो और 100 गरीब लोग को रखो, गरीब लोग की फीसद दाढ़ी टोपी में ज्यादा है, अमीर लोग की कम है। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि गरीब को जन्नत में जाना और आसान है बनिस्बत अमीर को।
तो लोग समझते अरे गरीब इंसान है, गरीब इंसान को जाने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि उसको कुछ होना क्या है। अमीर सोचता है कि अगर मैं दाढ़ी टोपी रखूंगा तो दुश्मन बन जाएंगे, और बड़ा बिजनेसमैन सोचता है अगर मैं दाढ़ी टोपी रखूं तो मेरे पार्टनर मुझसे नाराज होंगे, हो सकता है कि गवर्नमेंट मुझसे नाराज होंगी। अल्लाह नाराज हो चलेगा, अल्लाह को पटा लेंगे बाद में, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को बाद में पटा लेंगे, ये गवर्नमेंट को कौन पटाएगा। तो अफसोस की बात है, किससे डरना, जितनी ऊंचाई पे जाता है उतना वो घबराते हैं अपने आप को मुस्लिम कहने के लिए। क्यों, मुझे माशाल्लाह मुझे बहुत मोहब्बत है मेरे लेबल से, मेरी दाढ़ी से, मेरी टोपी से, दरवाजे खुलता है मेरे लिए, दरवाजे खुलता है। क्या है दाढ़ी क्या टोपी है, मौका दावा करने का, सवाब कमाने का। मैं बहुत से प्राइम मिनिस्टर को मिला हूं दुनिया के, बहुत से प्रेसिडेंट को मिला हूं, बहुत से शेख को मिला हूं, बहुत से राजाओं को मिला हूं। अगर मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर भी होता था, मैंने मैं डॉक्टरी छोड़ दिया क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, मैं डॉक्टर बना क्योंकि सोचता था डॉक्टर सबसे अच्छा पेशा है, अच्छा है माशाल्लाह। लेकिन जब कुरान मजीद की आयत पढ़ी सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33, वमन अहसनु कौला मिम्मन दअ इलल्लाहि वा अमिला सालिहान वा कौला इन्नी मिनल मुस्लिमीन, कौन सबसे अच्छा शख्स है, वो शख्स जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाता है, वो शख्स जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। तो जब पता चला कि दाई डॉक्टर से अच्छा है तो मैं डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल बन गया, डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल बन गया। पहले मैं बदन का डॉक्टर था, अभी रूहानी डॉक्टर बन गया। लोग बोले पागल है, 5 साल मेडिसिन किया, पागल आदमी है, अल्लाह के मोहब्बत में, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में कर लिए, किया अल्लाह के लिए, अल्लाह ने पहुंचा दिया किधर। अभी जो हमने कभी भी अल्लाह गवाह है कि कभी भी शोहरत के लिए नहीं मैं मेडिसिन छोड़ दिया, अल्लाह के राह में दावत करने के लिए, अमन का पैगाम फैलाने के लिए। आज इतना बड़ा मजमा, अगर मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर होता था और तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट इश्तेहार देती थी, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर आ रहा था, इसके 1% ऑडियंस भी नहीं आती थी, आती थी क्या 1%। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, राजा, जितने आप मुस्लिम कंट्री के नाम लो, माशाल्लाह मैं गेस्ट रह चुका हूं, उनके महल में रह चुका हूं, उनको मिल चुका हूं। कि अल्लाह ताला जब आपका साथ देता है, गैर मुसलमान मुझसे मिलना चाहते हैं, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, और हमेशा मैं जाता हूं तो दाढ़ी के साथ जाता हूं, टोपी के साथ जाता हूं, मेरी इज्जत करते, क्या डरना, क्योंकि मैं कहता हूं मैं मुसलमान हूं। और मेरे नजदीक इस्लाम में एक भी तालीम नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। तो मुझे बताओ, मुझे गर्व है कि मैं मुस्लिम हूं क्योंकि मैं मेरे दीन के बारे में जानता हूं। लेकिन अक्सर जो लोग ऊंचाई पे जाते हैं, बिजनेसमैन या अमीर हो जाते हैं, वो डरते हैं कि मेरी दौलत चले जाएंगी, मेरे क्लाइंट चले जाएंगे, मेरे कस्टमर्स चले जाएंगे। मुझे तो मैं जा जाता हूं, मुझे कंसेशन डिस्काउंट फ्री। जब मैं एयरपोर्ट पे आता हूं तो मुसलमान कस्टमर भी तो शायद डरेंगे, अरे जाकिर भाई आ गए, हिंदू आएगा, ओ जाकिर साहब जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो होता है ना, वो हाथ रख के कहना पड़ता है कोर्ट के अंदर, कभी प्रॉब्लम नहीं। ये दाढ़ी टोपी की वजह से, डिस्काउंट की वजह से नहीं करता हूं, अल्लाह ताला दे रहा है। वो सुमैया ग्राउंड है, सुमैया ग्राउंड, ये तो माशाल्लाह मुसलमान की खेत लगती है। वो सुमैया ग्राउंड, जो सुमैया ग्राउंड है वो हिंदू का है, 75% डिस्काउंट देते, 75%। क्या तो माशाल्लाह आसान है, वो ग्राउंड हायर करना बहुत महंगा है, 75% डिस्काउंट। तो क्यों डरना, अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं तो डरना चाहिए। आप चोरी कर रहे, कुछ गलत कर रहे तो डरना चाहिए ना, वे पकड़े जाएंगे, हक की बात है तो क्या डरना। ये मैं कहना चाहता हूं कि तकरीर के जरिए जो लोग घबरा रहे हैं, जो घबराने की 2 वजह हो सकती, दाढ़ी टोपी नहीं पहनने की 2 वजह हो सकती, दाढ़ी और रहे में टोपी से ज्यादा, 1 वजह हो सकती क्या मुझ पर अच्छी लगती नहीं, हो सकता है उसमें मैं बहस नहीं करूंगा, अच्छी लगती क्या नहीं अच्छी लगती है। लेकिन कम से कम आपको सवाब तो मिलेगा ज्यादा,
नहीं अच्छी लगती, सवाब तो मिलेगा, जाहिर तो होगा कि आप एक ईमान वाले इंसान हैं। और दूसरी वजह हो सकती है कि आप घबराते कि लोग को पता चल जाएगा मैं मुसलमान हूं, तो आप छुपाना चाहते हैं, ये जाहिर नहीं करना चाहते हैं कि मैं मुस्लिम हूं, क्योंकि आप बोलते मेरा उठना बैठना है गैर मुसलमान के बीच, मेरा उठना बैठना भी गैर मुसलमान के बीच, छोटे लोग बीच के लोग ऊपर के लोग सब लोग से मुझे कभी भी दिक्कत नहीं होती है, और जितने लोग के साथ मैं उठता बैठता हूं गैर मुस्लिम के साथ शायद कोई हिंदुस्तान में बिजनेसमैन इतने लोग के साथ बैठता होगा, अल्लाह का फजल है, ऊपर नीचे बीच में सब टाइप के लोग, हक की बात है तो क्या घबराना। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, जिल्द नंबर 2 किताबुस सलाह चैप्टर नंबर 314 हदीस नंबर 1932 1933 और 1934, ये तीन रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईदेन सलाह के लिए, कहा है औरतों से, ईदेन सलाह के लिए औरतों से कहा है कि आप जो गैर शादीशुदा औरतें हैं उनको भी लेके जाओ, और वो औरतें जो हैस में हैं उनको भी सलाह के लिए लेके जाओ, और जो हैस में हैं वो सलाह ना पड़े लेकिन ईदगाह के वहां जाए। दूसरी हदीस में लिखा है कि सारे औरतें ईदगाह के लिए जाना चाहिए, हैस वाली औरतें भी, लेकिन हां वो नमाज ना पढ़े लेकिन कम से कम दुआ करे। तो अल्लाह ताला की हिकमत क्या है कि नमाज नहीं पढ़ने वाली औरतों को भी बोलते ईदगाह जाओ, भले नमाज मत पढ़ो कम से कम दुआ तो करो, क्या हिकमत है, क्या हिकमत हो सकती है। हिकमत यह है कि आमतौर पर हर रोज मुसलमान का फर्ज है कि वो 5 बार नमाज पढ़े, और सबसे बेहतर है कि जमात में पढ़े, सबसे बेहतर है कि मस्जिद में पढ़े, तो 5 बार मुसलमान इकट्ठा होते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। उससे बड़ी जमात है हर हफ्ते जुम्मा की नमाज, तो जुम्मा की नमाज में आपको पता है कि तादाद और बढ़ती है। उससे बड़ी है साल में 2 बार ईदेन, ईद उल फितर और ईद उल जुहा बकरीद। यहां और बड़ी जमात तो क्या होता है, आप देखते हैं यहां तो माशाल्लाह बड़ा मजमा है, लेकिन छोटे छोटे गांव अपने ना हिंदुस्तान में, ये तो माशाल्लाह लोग कहते हैं कश्मीर के बाद नंबर 2 पे आता है मुसलमान की परसेंटेज में, लेकिन ये कई गांव है ऐसे हिंदुस्तान में छोटे छोटे गांव, वहां लोग को पता नहीं, जब देखते ईद में 30,000 मुसलमान 40,000 मुसलमान, मुसलमान की हिम्मत अफजाई होती है, लोग को पता नहीं, जब मस्जिद में 5 बार नमाज के लिए मिलते तो पता चलता है ये मुसलमान ही बिल्डिंग में रह रहा है, ये इलाके में रह रहा है, जुम्मा में मिलते और मुसलमान से मुलाकात होती है, ईद के टाइम पे सबसे ज्यादा, ईद के टाइम पे सबसे ज्यादा साल में 2 बार। तो अगर छोटे से गांव में जब पता लगता है कि 30,000 40,000 50,000 मुसलमान, तो हिम्मत अफजाई होती है, हौसला बढ़ता है, और साथ साथ अगर कोई दुश्मन है तो दुश्मन भी सोचेगा 10 बार, हाँ 40,000 मुसलमान 50,000 मुसलमान गड़बड़ करने के पहले सोचूंगा मैं, तो दिस इज मास साइकोलॉजी। मिसाल के तौर पे अगर कोई शहर में बस में या ट्रेन में एक मुस्लिम खातून जा रही है हिजाब पहन के, और अगर एक आदमी को उसको छेड़ने का है, लेकिन उसी बस में अगर 50 लोग बैठे, वो 5 लोग को देखेंगे दाढ़ी रखे हुए टोपी पहनते हुए, वो लफंगा 10 बार सोचेगा कि अगर मैं ये मुस्लिम खातून को छेड़ा ये 5 लोग मुझ पे टूट पड़ेंगे, भले वो जईफ है बराबर खड़े भी नहीं हो सकते, लेकिन दाढ़ी टोपी है ना, मैं छेड़ूंगा तो 5 लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, ये मास साइकोलॉजी है। और एक किस्सा है कि एक शहर के अंदर एक मुसलमान था, माशाल्लाह परहेजगार, 5 टाइम नमाज पढ़ता था, रमजान में रोजे रखता था, जकात देता था, हज किया था, लेकिन उसका लेबल नहीं था, नो दाढ़ी नो टोपी, दाढ़ी नहीं टोपी नहीं। वो एक बार जाता है बाजार में सेब खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, एक छोटा बच्चा बाकड़े पे फल बेच रहा है, तो बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो मेरा नाम सुल्तान है,
चाचा मेरा नाम सुल्तान है। तो ज़ईफ इंसान ने पूछा, सुल्तान तुमने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? तो बच्चा बोलता है, चाचा मैं समझा तुम हिंदू है। वो छोटा बच्चा कह रहा है चाचा से, जो परहेजगार है, पांच टाइम नमाजी है, ज़कात देता है, रोजा रखता है, कि तुम मुशरिक हो। मैं पूछता हूं गलती किसकी? और जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा गुना कोई भी मजहब में, इस्लाम में भी, सबसे बड़ा गुना है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। सबसे बड़ी गाली अगर कोई मुसलमान को दे सकता है वो ये कहना कि वो शिर्क करता है। तो मैं पूछता हूं कि वो ज़ईफ इंसान, इतने परहेजगार, पांच टाइम नमाजी, ज़कात देते हैं, रोजा रखते हैं, हज के लिए गए, अगर कोई उसे मुशरिक कह रहा है तो किसकी गलती? वो बच्चे की गलती? किसकी गलती? किसकी गलती? उसकी गलती। अगर कोई, मैं पूछता हूं, ये बिजनेसमैन जो है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनको अगर कोई बोलेगा तू चोर है, वो तो छोड़ेंगे ही नहीं तुमको। अगर बड़े बिजनेसमैन को आपने कहा कि आप चोर है, वो तो तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे, अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, बराबर ना? उसको कोई मुशरिक कह रहा, उनको फर्क नहीं पड़ता है। चोर तो छोटी गाली है ना, बराबर कि नहीं? चोरी करना गुना है, छोटा गुना है ना, उनको चोर कहेंगे, इतना बुरा लगेगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तुम छोटे इंसान है, अगर तुमने चोर कहा कोई बड़े बिजनेसमैन को, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तुमने उनको बड़ी गाली दी, मुशरिक कहा, उनको फर्क नहीं पड़ता है। कौन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार? अगर आपका लेबल आपके इरादे को जाहिर करता है तो उसे पहन लीजिए। वाखर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया वीडियो सी। सो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन जा, तो चैनल जाके तो सब्सक्राइब कर सकते हो। सो बहुत बढ़िया किया जी, जे ताड़े रिलीजन दे की रिचुअल्स है जरूर पूरे करने चाहिए, जो ताड़े रिलीजन की पहचान है वो जरूर रखनी चाहिए है। जे तुसी अपने रिलीजन की पहचान ही नहीं रखी तो बाकी तुसी सारे अपने जो रिलीजन दी है रिचुअल जे नमाज पढ़ते हो या सिख जी पाठ करते हो तो कोई फायदा नहीं, तुहानू कोई पहचानेगा नहीं है सिख है कि या मुसलमान है। सो हमेशा अपने जो साडे दिख है वह भी जरूर रखनी चाहिए है, जे साडे पग बंदे दाढ़ी रखते है या मुस्लिम च टोपी बंदे दाढ़ी रखते, सो जरूर रखनी चाहिए है। सो अपने जो अपने रिचुअल्स है अपने वो जरूर पूरे करने चाहिए, अपने जो लेबल्स है जो जाके जी ने कहा लेबल है जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जो ताड़ी पहचान ही नहीं रही तो फिर भावें बंद कमरे च भावें जिन्ना मर्जी तुम नमाज ही पढ़ो, पांच चाहे नमाज पढ़ते हो या पाठ भी करते हो, कुछ भी मतलब जो अपने रिलीजन करो, मैं तेरी पहचान नहीं रहेगी कि यह कौन है। सो अपने आप नू जरूर जो अपने रिचुअल्स है बाकी जो अपने जो दिख है जरूर रखनी चाहिए अपने रिलीजन के मुताबिक। सो उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन च है, जो तुम मेरा रिएक्शन वधिया लगे प्लीज चैनल सबसक्राइब करो, बैल आइकन दबाओ, आपां इदां दी होर वधिया वीडियोज लैके आवांगे। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो च, बाय बाय।